अच्छा बच्चों, अब हम कठिन शब्दार्थ सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नौ शब्दार्थ लिखे हुए हैं जिनके आपको अर्थ जानना है। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, उसके पाठ के अंतर्गत मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द निकाले हैं जो आपको जानना है। तो चलिए हमको इसको जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है शब्द जमीन। जमीन का अर्थ होता है धरती। ये जो शब्द दिए मैंने बताए हैं, इनको आप वाक्य में प्रयोग करना भी सीखते जाइए, ठीक है। तो हम इसका एक शब्द बना सकते हैं, जमीन लिख सकते हैं इसको हम वाक्य प्रयोग में, ये जमीन मेरी है, ठीक है। धरती से भी बना सकते हैं, धरती माता होती है, ठीक है। दूसरा शब्द है अक्सर, यानी बार बार। अक्सर हम चीजें भूल जाते हैं, बार बार का हम प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयास करने से सफलता मिलती है। तीसरा शब्द है जगह। जगह यानी स्थान। हाँसी मारा एक जगह का नाम है। स्थान शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दिल्ली एक स्थान का नाम है। चौथा शब्द तमाम। तमाम का अर्थ होता है सब या पूरा, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, तमाम सारी चीजें व्यर्थ हैं, ठीक है। इस तरह बना सकते हैं सब, और पूरा से बना सकते हैं, पूरा अध्ययन हमें करना चाहिए। और सब का वो बना सकते हैं हम, सबका मालिक एक है, ठीक। रिक्त स्थान, रिक्त का होता है खाली। जैसे हम आपको गृह कार्य में देते हैं ना कि रिक्त स्थान भरिए या खाली स्थान भरिए, यानी रिक्त का अर्थ होता है खाली। तो हम इसको बोल सकते हैं रिक्त स्थान भरिए, वाक्य के द्वारा खाली में भर सकते हैं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, ठीक। छठा शब्द हमारा अंतर। अंतर यानी दूरी या फर्क। अंतर से आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, जैसे दो असमान चीजों में अंतर दिखाई देता है। दूरी का वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, हाँसी मारा से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। फर्क, फर्क से भी शब्द बना सकते हैं, जैसे सोना और पीतल में फर्क होता है। इसके बाद जलधर। जलधर यानी बादल। इसी का एक अर्थ होता है जलद, ठीक। जलधर यानी बादल, बादल यानी जलद, ठीक है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप इसमें भी वाक्य बना सकते हैं कि जलधर से बारिश होती है, या बादल से बना सकते हैं कि बादलों से बारिश होती है। जलद से भी आप वाक्य बना सकते हैं, जलद हमें अच्छे लगते हैं। इसी तरह आठवां शब्द है आलोक। आलोक यानी प्रकाश, ठीक। सूरज के आलोक से सभी चीजें दिखाई देती हैं, प्रकाश का बना सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से हम चीजों को देख पाते हैं। नवा शब्द है अनल। इसका अर्थ होता है आग या अग्नि। अनल से आप सब से वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, जैसे अनल से हमें डरना चाहिए। आग से शब्द बना सकते हैं, आग के पास नहीं जाना चाहिए। अग्नि से बना सकते हैं वाक्य, अग्नि हमें सर्दी से बचाती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप इनके अर्थों को जानिए, बार बार इनको पढ़ते रहिए और अपने इनको बिल्कुल याद करिए। ये आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होने वाले हैं ये शब्द, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।